मॉक टेस्ट के बिना ना, एक तो टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है. जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 बार पूरा कर लिया था, तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लिए हुए थे, तो थोड़ा सा. और दूसरा कि आप जितने मॉक टेस्ट करते हो उतनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS. आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारी स्टूडेंट एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी विथ अ ग्रेट रैंक एज वेल. सो लेट्स वेलकम हर एंड लेट्स नो हर जर्नी, कैसे की थी प्रिपरेशन और आपको यहाँ से क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए. लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दैट. सो हाय काजल, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मैम, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, यू थैंक यू फॉर आस्किंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काजल, मुझे तो आपकी रैंक पता है, बट प्लीज टेल मी वंस अगेन टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि आपका क्या स्कोर आया था और क्या रैंक आई है. ओके, तो आई स्कोर 7700 एंड करेंट IIT जैम 2024 एंड माई ऑल इंडिया रैंक इज 27. ओके, सो आई थिंक 27th रैंक एक बहुत ही अच्छी रैंक है. टेल मी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी रैंक इतनी अच्छी आएगी, या आप इससे बेटर या इससे कुछ लेस एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं मैम, एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने प्रिपेयर तो खैर काफ़ी अच्छा किया था, बट जो मेरा एम था वो ये था कि बस क्वालिफाई हो जाए. उसके बाद पहले क्वालिफाइंग के लिए जाते हैं और फिर जितना अच्छा हो सकता है उतना. हाँ, बट ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे टॉप 50 में या टॉप 30 में आ सकता है. ओके ओके, सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, टॉप 30 में आए हो आप, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि बिल्कुल IIT तो आपके सामने अभी आपके सामने सारी ऑप्शंस आने वाले हैं कि यू विल गेट टू चूज कि मुझे किस जगह पे जाना है. एंड टेल मी कि क्या आपने कोई और एग्जाम भी टारगेट किया था IIT जॉब के अलावा? यस मैम, मैंने अभी CUET भी दिया है और मैं नेक्स्ट मंथ GATE भी देने वाली हूँ. ओके ग्रेट, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि IIT जाम की जो प्रिपरेशन है वो कितना हेल्प कर रही है आपको फॉर द GATE भी एग्जाम? मैम काफ़ी हद तक, क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं GATE भी, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों रहता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सेम ही मैंने प्रिपेयर की हुई हैं और मुझे उसके लिए बस एक फाइनल रिवीजन देना है. कुछ टॉपिक्स हैं जो हाँ एक्स्ट्रा हैं जो GATE भी में आते हैं, IIT जैम में नहीं होते, बट स्टिल आई विल से कि 80% के आसपास सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो काफ़ी रिलीफ रहता है. ओके ग्रेट, सो डेफिनेटली आई थिंक तो हम ये बहुत आई थिंक सेफली बोल सकते हैं कि अगर आप IIT जाम GATE भी CUET टारगेट करते हो तो लगभग 70-80% सिलेबस आपका कॉमन होता है. कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन डेफिनेटली ऐड होते हैं, जैसे कि आई थिंक IIT जाम में आपको एनिमल फिजियोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, तो आपके GATE भी के अंदर बायो प्रोसेस पूछा जाता है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐड और ये सारी चीज़ें रहेगी, बट बेसिक जो पोर्शन है आपका वो सेम रहता है. सो दैट्स अ गुड एनालिसिस फ्रॉम योर एंड एज वेल, ग्रेट डियर. एंड टेल मी कि जो भी हम IIT जाम की जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, NAT होते हैं, MSQs होते हैं, MCQs होते हैं. सो जब आप पेपर को सॉल्व करते थे तो आपका सीक्वेंस क्या होता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्शन ईजी होता है, बच्चे ने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ मैम, जब मैं स्टार्ट करती थी तो मैं पहले MCQ जाती थी टू गिव इट अ रीड फर्स्ट, है ना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट गो में नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा सोच लेते हैं उस पर तो फिर वो सॉल्व हो जाता है. तो मैं पहले MCQ सॉल्व करती थी, उसके बाद फिर नेट क्वेश्चंस और लास्ट में MSQ. ओके ग्रेट, सो MSQs व्हाई लास्ट, टाइम कंज्यूमिंग होता है या क्या रीजन है कुछ पर्टिकुलर? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, प्लस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांस ज्यादा रहता है. MCQ या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, लेकिन MSQ में थोड़ा ज्यादा देर टाइम देना होता है, तो अगर लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो फिर ज्यादा टाइम भी रहता है. ओके ठीक है, और जैसे इस बार हमने सुना कि CUET का पेपर बहुत लेंदी आया था बच्चों के लिए, तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट IIT एग्जाम, क्या जो टाइम आपको दिया जाता है वो टाइम सफिशिएंट होता है या फिर बच्चों को टाइम को लेके भी कंसर्न होना चाहिए एग्जाम में? नो मैम, क्योंकि सिर्फ 60 क्वेश्चंस हैं और 60 क्वेश्चंस में से नेट क्वेश्चंस और MCQ इतना टाइम नहीं लेते हैं, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी मतलब मुझे अपने टाइम में इतना नहीं लगा कि इतना ज़्यादा कुछ बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, तो नहीं, हाँ इतना सफिशिएंट था कि आई वॉज एबल टू चेक इट ट्वाइस, मतलब मैंने एक बार पूरा पेपर दे लिया था और उसके बाद फिर मैंने एक बार सारे क्वेश्चंस चेक भी कर लिए थे, इतना टाइम था. सो आई थिंक जो आप बता रहे हो कि पूरा 2 बार आपको पूरा पेपर देखने का मौका मिला था, सो दैट डेफिनेटली शोज कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, 2-3 बार उसको देख ले, चेक कर ले. सो टेल मी अबाउट द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, कैसे स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें एग्जाम में सही हो वो,
उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैंने इससे पहले नीट के लिए प्रिपेयर किया था, तो मेरे एक टीचर थे जिनसे मतलब मुझे जितनी फिजिक्स आती है मैं उन्हीं को सारा क्रेडिट देती हूँ। तो उनकी उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जितने भी आप जैसे क्वेश्चंस करते हो तो उसके लिए वो एक सेपरेट नोटबुक बनवाते थे, जिसमें क्या कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप अटके हो या जो भी क्वेश्चन गलत हुआ या सिली मिस्टेक हुई, तो वो उन सारे क्वेश्चंस के लिए वो एक सेपरेट नोटबुक होती थी। दैट इज वन थिंग जो मैं अभी भी रिलीजियसली फॉलो करती हूँ किसी भी एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। तो फर्स्ट ईयर में मेरा एम ये था कि जो भी मैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स के लिए पढ़ती थी मैं वही चीज़ करती थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में, डेप्थ में पढ़ के ऐसा। और मैंने थर्ड सेमेस्टर था उसके एंड से फिर मैंने प्रॉपर जैम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस टाइम से मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी। तो हाँ, तो मेरा ये रहता था कि जो भी क्वेश्चंस मैं, जैसे मेरे पास IFSC की बुक भी थी जो प्रीवियस ईयर की बुक है, वो मेरे पास थी, वो मैंने फर्स्ट ईयर में ही मंगा ली थी। तो मैंने वहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो मेरे पास जो जो भी क्वेश्चंस थे जिसमें मैं कभी भी अटकी हूँ स्टार्टिंग से लेके जब से स्टार्ट किया और एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक भी, तो मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन हो रखे थे कि कहाँ कहाँ मैं अटकी हूँ। तो उससे मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई कि लास्ट टाइम पे जहाँ भी मेरी गलतियाँ थी ना, वो मेरे पास रिविजन के लिए टाइम था। एक हफ्ते पहले जब मैंने वो पूरा उसे पढ़ा, तो मेरे पास सारी चीज़ें थी कि हाँ मैं इस पॉइंट में कभी कभी अटकी हूँ, तो मुझे ये चीज़ पर ज़्यादा रिवीजन करके जाना चाहिए। जी हाँ, सो आई थिंक बिल्कुल ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट की निशानी है कि आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ यहाँ से चीज़ नोट कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो आपको आता है अच्छी बात है, बट हमेशा मैं भी हमेशा क्लास में हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जितनी गलतियाँ करोगे मेरे क्लास में करो, क्योंकि आप जब गलतियाँ करते हो तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं माइंड में रहता है, आपने नोट किया, ये बहुत अच्छी बात है दैट आप चीज़ों को नोट करके रखते थे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता है कि इसके ट्रिक्स मैंने किस तरीके से लिखे थे, कैसे इसको सॉल्व करना है, आपने कुछ अप्रोच अपने खुद के डेवलप किए होंगे। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि क्वेश्चंस कभी गलत हो रहे थे, अटक रहे थे, तो फिर आपने छोड़ नहीं दी प्रैक्टिस, आपने उसको भी ओवरकम किया एंड यू डिड ग्रेट इन दैट। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारे जो बुक्स रेफर किए थे आपने एग्जाम के पहले पूरा इसको सॉल्व किया था, बिकॉज अक्सर हम हमेशा ये बात बोलते हैं बच्चों को कि थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ते हो अच्छी बात है, बट इन एग्जाम्स लाइक दिस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की। सो प्लीज टेल मी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को बच्चे ने कैसे एक साथ लेके चलना चाहिए आगे? मैंने जो चीज़ फॉलो किया था वो ये था कि वही फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो मैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स में ही जो जो चीज़ें थी, मतलब जैसे मेरे पास जो बुक थी उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स में सारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि IIT जैम में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, है ना। तो जो जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे तो उनका सिलेबस भी साथ साथ होता था, तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ मैच करके रखी हुई थी कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स में पढ़ूंगी जो जैम में भी पूछने वाले हैं, तो उन वाले टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस रखती थी। तो पर मतलब अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो उसी में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाते थे ताकि बाद में उस पर कम फोकस करना पड़े। और जब मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर कि जैम के लिए ही पढ़ना है, अब तो उस टाइम पे ये था कि मैं मतलब जो मेरा था, मैंने सेल्फ स्टडी किया है पूरा, तो यूट्यूब ही सब कुछ था मेरे लिए उस टाइम पे, कोई मैंने बुक ऐसा प्रॉपर रेफर नहीं किया। तो मैं यूनिट वाइज सर्च करती थी और मेरे को जहाँ से भी जो प्लेलिस्ट मिल जाए एक प्रॉपर, जो टीचर मुझे समझ में आता, जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी पूरी आपसे ही पढ़ी है ना, जो यूट्यूब लेक्चर्स थे, तो हाँ, तो मैं फर्स्ट टाइम क्या करती थी कि जो भी, जैसे सेल बायो स्टार्ट किया तो मैं सेल बायो सर्च करती थी, उसके बाद में कोई जो एक प्लेलिस्ट आई तो मैं एक टीचर से वो पूरा एक यूनिट पढ़ती थी, उसके बाद में वो एक पूरा रिवीजन मेरा रहता था, और मैं जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करती थी या PYQ जो होते थे वो फिर मैं उसमें बाद में ऐड कर लेती थी। मतलब बार बार थ्योरी थ्योरी करने के बजाय कि एक बार थ्योरी प्रॉपर की और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, वो फिर उसमें ऐड ऑन कर दो। सो ये बहुत फाइन अप्रोच था आपका कि सिलेबस देखो, टॉपिक्स पिक करो, उसको अच्छे से पढ़ लो किसी से, देन उसके जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको प्रैक्टिस करो, बिकॉज यस आफ्टर ऑल आपको हमने कल पढ़ा दिया है सेल मेम्ब्रेन क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली तो आपको नहीं पूछा जाएगा, दे विल आस्क समथिंग कि टेम्परेचर इंक्रीज है, डिक्रीज है, सैचुरेशन डिसैचुरेशन, तो ये नॉलेज आपकी तभी डेवलप होती है जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे PYQs हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। सो दैट वॉज रियली अ ग्रेट अप्रोच एंड आपका बिल्कुल रिजल्ट और रैंक बता रहा है हमें कि आपने कितनी एफर्ट्स लिए हैं, आपने कितनी मेहनत की है।
अच्छा एक और चीज, स्टूडेंट्स ऑलवेज से दैट आईआईटी जाम के एग्जाम है, कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, हमें कौन सा 100 मार्क्स लाने हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को छोड़ के अगर हमने से बायोलॉजी पे फोकस किया तो क्या हमारा रिजल्ट आ पाएगा क्या? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? पीसीएम की स्टडी स्टूडेंट ने कैसे करनी चाहिए या स्किप करके भी रिजल्ट आ सकता है, क्या लगता है आपको? मैम आई थिंक क्वालिफाई कर सकते हैं स्टिल, लेकिन रैंक अच्छे लेकर आना पीसीएम के विदाउट इज नॉट पॉसिबल. अभी मैंने जो लास्ट 3-4 साल में देखा है तो उसमें पीसीएम का जो वेटेज है वो थोड़ा कम हो गया है, बट स्टिल अगर रैंक लेकर आनी है तो फिर उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ बायो से नहीं रहता है, क्योंकि बायो तो सभी अटेम्प्ट करते हैं. जी यस, तो आई थिंक हाँ वही हम बोलते हैं कि बायोलॉजी से आप शायद क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम, बट अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको एक अच्छी रैंक चाहिए है, और रैंक उन्हीं की आएगी जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस करेंगे. तो क्या बता सकते हो उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, वो कितना ईजी हो सकता है या क्या डिफिकल्ट हो सकता है? व्हाट स्ट्रेटजी टू स्टडी पीसीएम ग्रुप? मैम पीसीएम जो था अभी 2024 का जो था वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि सॉल्व ना ही हो. और मैंने जो किया था, हाँ मैंने नीट के लिए क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको पढ़ाती हूँ, वो मेरे से डाउट्स वगैरह पूछता है उस चीज़ के, तो मतलब वो चीज़ अभी करेंटली भी चलती रहती है. तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्टिल अभी डाउट्स लेती हूँ तो वो चीज़ क्लियर रहती है. मैथ्स के लिए था कि मैथ्स मैंने पूरी नहीं करी थी, पर मतलब मैंने मैथ्स कोशिश किया था बट पूरी नहीं हो पाई मुझसे, तो मैंने मैथ्स के लिए ये चीज़ की थी कि मैंने शायद 2015 से लेकर 2023 तक के सारे PYQs किए थे. तो जो मेरी वो नोटबुक थी मैंने उसमें टॉपिक्स लिखे हुए थे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और आई मेड श्योर कि उतने टॉपिक्स तो मैं पूरे करके जाऊं, अगर उसके अलावा मैं कर सकती हूँ तो ठीक है, बट उतने में मैं मिस ना करूँ. तो आई थिंक यस, तो जो हम बोलते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से हर बार पूछा जा रहा है, जैसे अगर मैं बायो की बात करूँ तो सेल साइकिल से हमेशा आता है, मेटाबॉलिज्म से हमेशा आता है, तो वैसे मैथ्स में भी पैटर्न होगा डेफिनेटली. और आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी कि चलो पूरा पढ़ना अगर नहीं है, टाइम नहीं अवेलेबल है, जो भी रीजंस हो, बट यू मेड श्योर कि अगर मैथ्स के क्वेश्चंस दिखते हैं तो मैं उसमें से कुछ तो अटेंड कर पाऊँ, और उसकी आपने तैयारी की थी, सो दैट्स डेफिनेटली कमेंडेबल. तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने बहुत स्मार्ट स्टडी किया है कि हर चीज़ को आपने सोचा है कि ठीक है पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ. सो दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू कि आपने वो सब चीज़ों को किया. ओके टेल मी कि आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, क्या पढ़ा था आपने? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री नॉर्मल लाइफ साइंस. ओके ओके, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू थिंक कि आईआईटी जाम के एग्जाम के जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं उसमें से कौन से यूनिट्स आपके फेवरेट थे, आपको जो अच्छे लगते थे, और कौन से आपको टफ लगते थे थोड़े? मैम टेक्निक्स वाला पार्ट एक थोड़ा है जो थोड़ा सा टफ लगता है, और जेनेटिक्स मेरा फेवरेट है, तो जेनेटिक्स सेल बायो हाँ थोड़ा बहुत, बायो केमिस्ट्री थोड़ा टफ हो जाता है बट वो हाँ इसीलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में लिया था कि अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम रहता है तो फिर उसको अच्छे से कवर कर सकता है. जी, सो एंड हाउ टू डील विथ इट देन, अगर आपको बायो केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स डिफिकल्ट लगा तो वॉट यू डिड विद दैट, छोड़ दिया उसको, इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्राई किया या पूरे पढ़ने की कोशिश की, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं मैम, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने फर्स्ट टाइम पूरा ऐसे डेप्थ में अच्छे से पढ़ा, उसके बाद में जब जैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो वो चीज़ क्लियर थी कि कहाँ कहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. तो जो पार्ट ऐसा था जो मुझे टफ लगता था लेकिन स्टिल वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने जितने मैं टीचर्स ढूंढ सकती थी यूट्यूब पर मैंने सारे टीचर्स का ट्राई करके देख लिया, कहीं ना कहीं से तो समझ आएगा ऐसा करके. और जो चीजें ऐसी थी जो बार बार रिपीट नहीं हो रही थी फिर वहां पे मैंने सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स थे उतना कि अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर सके, क्वेश्चन समझ सके इतना. ओके ग्रेट, सो तो दिस अ गुड थिंग कि आपने कोई चीज को छोड़ नहीं दिया, डिफिकल्ट है स्टिल यू ट्राइड योर बेस्ट कि जहां से भी जितने भी एक दो क्वेश्चन पे अगर आपके सॉल्व हो सकते हैं तो वो भी ट्राई करके शायद एग्जाम में वो 2-3 मार्क्स की कीमत जो है वो बाद में पता चलती है हमको, उस टाइम पे शायद लगता है कि ठीक है स्किप कर देते, बट जब रिजल्ट आता है, जब ऐसे पॉइंटर्स से कुछ हमारा रह जाता है तब बहुत दुख होता है. सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड ऑफ यू कि आपने हर चीज को प्रिपेयर किया जितना हो सकता था आपके लेवल पे, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट. एंड टेल मी द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, क्या रिएक्शन था आपका रिजल्ट देख के? सब काफी खुश हैं, जैसे मैंने बताया मैथ्स का मेरा भाई है, उसके पास मैथ्स है, तो एक क्वेश्चन था लिमिट का जो मैंने हाँ जो मैंने उससे डाउट पूछा हुआ था, वो वैसे छोटा है लेकिन मैंने वो एक क्वेश्चन उससे पूछा हुआ था, और वो अभी भी मुझे टीज करता है उस चीज पे कि मेरी वजह से इतनी टाइम पड़ गई.
हर क्वेश्चन का वेटेज है. तो आई थिंक यू शुड गिव द क्रेडिट क्योंकि आपने भी पढ़ा पढ़ा के रिवाइज होते गए. बिल्कुल बिल्कुल. उनकी हेल्प से सो दैट्स वंडरफुल एक्चुअली कि सब बिल्कुल खुश थे. एंड टेल मी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं वो हमेशा एक पूछते लाइक हम हमेशा उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट यूनिट टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट. कितना ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट और क्या क्या सीखते हो आप लोग एक टेस्ट अटेंड करके? मॉक टेस्ट के बिना ना एक तो टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है. जैसे मैंने बोला कि मैंने दो बार पूरा कर लिया था तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लिए हुए थे तो थोड़ा सा. और दूसरा कि आप जितने मॉक टेस्ट करते हो उतनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं. है ना, काफ़ी बार होता है कि हम क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ते हैं या ऐसा कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो उस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. और इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. तो एक बहुत बड़े टॉपिक को भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं ऐसा. तो ओके ओके ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सीक्रेट्स. किस तरीके से आपने एक बढ़िया सी रैंक लाई है, बढ़िया से नंबर लाए हैं. कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट जो शायद इस साल में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं आपसे, तो कोई मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए? बस स्टे कंसिस्टेंट. जिस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है उस दिन क्वेश्चंस करो. कुछ छुरी की ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेली 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़ना है. डेली पढ़ना है बस, इतना इम्पोर्टेंट है. और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उतनी रैंक बेटर हो जाती है. ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है. ओके ग्रेट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर. एंड बहुत कुछ जाना है स्टूडेंट्स ने आज. कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग इम्पॉर्टेंट है. भले ही डेली आप 1 से 2 घंटा पढ़ो, शायद एक दिन रिवाइज ना करो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, बट स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द बुक्स. छोड़ नहीं देना है उनको बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर. एंड आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ IFS. एंड आई रियली विश कि आप जो भी चाहते हो लाइफ में वो आप अचीव कर सको. थैंक यू सो मच. ओके डियर. सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो. और आपके कोई डाउट कोई क्वेरी है अबाउट दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग.